आईटीआई में कार्यरत 1410 अनुबंध अनुदेशक रोजगार बचाने के लिए आंदोलनरत हैं। प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन देने की कड़ी में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप को भी ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी कर्मचारी कल्याण संघ के अंबाला जोन के प्रधान रामपाल पंचान ने कहा कि अनुबंध अनुदेशकों की नौकरी बचाने एवं एचएसएससी की ओर से विज्ञप्ति वर्क अनुदेशकों के 144 पदों की सीधी भर्ती करने के विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के आईटीआई कर्मचारी फरीदाबाद में इकट्ठे होंगे और मंत्री मूलचंद शर्मा के निवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पांचाल ने कहा कि 1410 अनुदेशकों के पदों को भरा हुआ मानकर बाकी के पदों पर भर्ती कर ली जाए, इनमें कोई आपत्ति नहीं है। इस मौके पर विधायक राम कुमार कश्यप ने कर्मचारियों की आवाज विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में मुख्यमंत्री से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करने के प्रयास करेंगे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। अनुदेशक हरियाणा की तरफ से इंद्री के विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने विधायक साहब से ये मांग किया कि हमारे जो 1410 पोस्टें हैं वे बिल्कुल सेंशन पोस्ट है और जो कैटेगरी वाइज भरी हुई है, जो मेरिट बेस पे है, और इनमें से 50% से ज़्यादा बीजेपी सरकार खुद के लगाए हुए हैं। तो विधायक साहब ने हमें यह पूरा आश्वासन दिया, मैं मुख्यमंत्री से, मेरे से, जितना भी होगा, मैं आप सभी की हेल्प करूंगा और 1410 साथियों को बाहर नहीं जाने दूंगा। और इसमें हमने विधायक साहब को ये बताया भी, जो कोर्ट से भी हमें स्टे मिला हुआ है और खुद जो 2014 की पॉलिसी में रेगुलर हुए थे उनके भी पक्ष में सरकार खुद SLP में गई हुई है। तो इसलिए हम भी सरकार से चाहते हैं कि हमारी 1410 पोस्ट है उनको भरी हुई मानकर बाकी पर रेगुलर भर्ती की जाए। हाउस में सर 3206 पोस्टें निकाली हुई है सरकार ने, तो उनके टेस्ट भी चले हुए हैं अभी। तो अब हम तो सरकार से यही मांग कर सकते हैं कि जो हम 1410 साथी हैं उनको बेरोजगार न किया जाए और उनके परिवार का पालन पोषण सही ढंग से चलता रहे। सर कुछ साथी हैं जिनको 7-8 साल भी हो गए, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, इस प्रकार से लगे हुए हैं। देखिए कि ये मेरे ख्याल में कोई अढोक बेस पे या डीसी रेट पे लगे होंगे पहले, वैसे तो सारा ये प्रोसेस पूरा करके लगे हैं, परंतु ये रेगुलर बेस पे नहीं लगे जहाँ तक मैं वो बता रहे थे। अगर ये रेगुलर होते तो शायद इन्हें मांग पत्र नहीं देना पड़ता। तो इनकी जगह जैसे गैस टीचर लगे थे, अभी गैस टीचर तो अभी वही उनकी सेम प्रॉब्लम है इनकी भी, वो तो अभी इनकी जगह दूसरी पोस्टें ऐड कर दी गई हैं, एडवर्टाइजमेंट कर दी है, उनका एग्ज़ाम भी ले लिया गया, अभी उनका रिजल्ट भी आ गया। अभी इनकी चिंता ये है अगर वो रेगुलर भर्ती कमीशन से आ जाएंगे तो इनको हटना पड़ेगा, तो इसलिए इनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इनको ये कई साल से लग रहे हैं और पूरा प्रोसेस फॉलो करके ये लगे हुए हैं, जैसे इन्होंने अभी मुझे बताया। तो इन्होंने मुझे मांग पत्र दिया भी इनको ना हटाया जाए, तो मुख्यमंत्री से मिलकर मंगलवार को विधायकों की समस्या मंगलवार को सुनते हैं, हर मंगलवार को मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी को इस मंगलवार को मिलेंगे, इनकी जो समस्या मुख्यमंत्री से अवगत करा करके आगे प्रयास किया जाएगा। अभी इनको कोई बेनिफिट मिले, इनको कोई नुकसान ना हो, मतलब ऐसा मेरा प्रयास है। बिल्कुल ओवरेज भी हो गए हैं, जो ओवरेज हो गए हैं वो दोबारा उसको अपने फार्म भी नहीं भर पाएंगे, तो उनको जब फार्म नहीं भर पाएंगे उनको नौकरी मिलने लग पाएंगे, जब नौकरी लग पाएंगे फिर वो बेरोजगार होकर के घर में बैठना पड़ेगा। कईयों की शादी होगी, बच्चे हो गए, सबके बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब तो मेरा यही प्रयास रहेगा अभी सरकार सहानुभूतिपूर्वक मुख्यमंत्री विशेष रूप से इनकी समस्याओं को सुनकर कि इस समस्या का हल निकाले, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.